गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो गुड इवनिंग। इनर डिसिप्लिन का चैप्टर हम पढ़ रहे थे अबाउट बुक्स एंड फिलोसॉफी। और उसमें हमने देखा था, थोड़ा आगे क्या देखा था जरा देख लेते हैं पहले। तो तवरिया जी कहते हैं कि भाई एक नया आदमी शुरू करता है तो उसके अंदर एक जो विषय जानना चाहता है उसकी एक बुक होती है और वो किताबें ढूंढ ढूंढ के पढ़ता है, अनक्वेंचेबल थर्स्ट ऑफ नॉलेज। तो खाली ये स्पिरिचुअल की बात नहीं है, कोई भी क्षेत्र में। और ये जरूरी भी है क्योंकि शुरुआत में हमें ज्ञान जो है वो बुक से ही मिलता है, उसके बाद में उसके ऊपर के और अलावा जो इम्पोर्टेंट बुक्स क्या है पता चलता है। एक कोई और अच्छे रीडर्स होते हैं उसके द्वारा पता चलता है कि और कौन से किताब पढ़ने चाहिए। इस तरह धीरे 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 हम तो नॉलेज बढ़ाते रहते हैं। पर ये किताब तो करीब 60 साल पहले लिखी गई थी, तो उस जमाने में तो एंटरटेनमेंट का कोई खास साधन ही नहीं था, न टीवी था, न मोबाइल था, न और कुछ था। तो उस जमाने में बुक इटसेल्फ एक एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा जरिया था, एक इंस्ट्रूमेंट था, और इसीलिए उस समय ज़्यादा लोग बुक्स पढ़ते थे। आज एकदम कम हो गया है बुक्स का, तो बुक्स का पब्लिकेशन भी कम हो गया है, उसका सेल भी कम हो गया है, पर उस समय बुक्स के ऊपर ज़्यादा मदार रखा जाता था कि भाई बुक से ही हम नॉलेज पा सकेंगे। इसलिए वो सब किताबें लोग पढ़ते थे। और उस समय तो धार्मिक वातावरण भी ज़्यादा था, तो रात के समय घरों के अंदर श्रीमद् भागवत या रामायण ऐसा कुछ पुस्तकें पढ़े जाते थे 1 घंटा शाम को रात को। और मैंने जब मैं कहीं गांव में जाता था पहले पहले, तो देखा था कि कई गांव के अंदर इस तरह के किताबें पढ़ी जाती थी। और जिन लोगों को साहित्य का, नॉवेल वगैरह का शौक था, वो लोग अलग अलग किताबें पढ़ते थे। गुजराती के अंदर भी बहुत सारी अच्छी अच्छी नॉवेल पब्लिश होती थी, और जो पोएट्रीज, काव्य, अलग अलग उसकी किताबें मिलती थी। तो उस समय एक एक बुक्स जो थी बहुत वैल्यूएबल चीज थी, और बुक्स के द्वारा हम बहुत कुछ जान सकते थे। अब इंटरनेट का ज़माना आया तो बहुत सारा कुछ हम इसके द्वारा भी जान सकते हैं, पर उसमें करेक्शन कम होता है, कई बार गलत चीज़ें भी पब्लिश हो जाती है, क्योंकि ओपन प्लेटफॉर्म होता है, तो कोई लोग जो अपनी जैसी समझ होती है उस तरह की बातें वगैरह डाल देते हैं, तो एक मिसकंसेप्शन भी अभी इतना ही ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले ऑथेंटिक बुक्स थे तो वो चीज़ कम होती थी। तो ये बात तावरिया जी ने पहले बताई थी, पर उनका अपना अनुभव, वो कहते थे कि जब मैंने बहुत सारे किताबें और उसके अंदर लिख दिया है कि कौन से सब्जेक्ट के ऊपर उन्होंने पढ़े थे, और ये सब पढ़ने के बाद जब साधना करते करते उन्हें अपने अंदर के गुरु श्री राम का जब दर्शन हुआ और वहाँ से जो फ्रेश नॉलेज मिला, तब उनको लगा कि ये जो मैंने पढ़ा है तो वो तो कोई काम का ही नहीं है। तो शुरुआत में हो सकता है कि इन चीज़ों की ज़रूरत पड़े, पर जाके आगे जाके हमें अंदर से ही ज्ञान, सेल्फ नॉलेज जिसको कहते हैं, सेल्फ नॉलेज ही लेना पड़ता है। हाँ, वो अलग बात है कि और सब्जेक्ट के, या आपको फिजिक्स के लिए जानना है या और सब्जेक्ट के लिए जानना है, तो बुक्स के ऊपर ही आधार रखना पड़ेगा। पर जहाँ तक बात सेल्फ नॉलेज की है, तो सेल्फ नॉलेज अगर आप कोई किताब में ढूंढेंगे तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको खुद को ही अंदर जाना पड़ेगा और अंदर सर्च करनी पड़ेगी। तो
वो कहते हैं कि जब मैंने अंदर देखा और वहां से जो नॉलेज आया वो तो किताब में कहीं था ही नहीं। तो मुझे लगा कि मैंने इतने सारे किताबें पढ़ पढ़ के और कुछ नहीं किया है पर थाउजेंड्स ऑफ थॉट पैटर्न्स, तो ये खाली पैटर्न्स मैंने इतनी जमा की है। और हम जानते हैं कि योग के अंदर तो बात आती है भिक्षु एम्प्टी द बोट की, तो आगे जाके जो पैटर्न हम बना लेते हैं गलती से उसको ही फिर मिटाना पड़ता है, तो काफी मुश्किल पड़ जाता है। तो ये साधक को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो पढ़ते हैं वो इतना ही पढ़िए कि जो हमारे हमारी जो सर्च है उसके अंदर हमें उपयोगी लगे और हमें उसका फायदा मिले, इस तरह का हमें पढ़ना चाहिए। या आप जो कुछ साधना कर रहे हैं उसके वो साधना में आपकी श्रद्धा बढ़े उसके लिए उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, वो ठीक है। बाकी खाली एक नॉलेज बढ़ाने के लिए अगर आप कुछ पढ़ते हैं तो आगे जाके साधना के अंदर वो सब रुकावट बन जाती है। और कई बार तो जिन देखा है कि जिन लोगों ने बहुत पढ़ा होता है वो एक अपने आप में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सच है या वो सच है, कभी ये करते हैं कभी वो करते हैं। हम देखते हैं ना साधना के नाम पर भी लोग 6 महीने सब चीजों का ट्राई करते हैं, 6 महीने ये किया, 6 महीने के बाद कुछ और करेंगे, फिर और कुछ समझ लिया तो और करने का ट्राई करेंगे। तो ये तो ऐसी बात हुई कि जैसे अलग अलग जगहों पर हम कुआं खोदते हैं और कुआं खोदने के बाद कई जगह पर भी पानी नहीं मिलता है, क्योंकि कोई जगह पर हम डीप डाउन जाते ही नहीं है। अगर एक ही जगह पर कुआं खोदते हैं तो नीचे तक जा सकते हैं और हमें जो पानी जो है वो मिल सकता है। तो इसीलिए ये खास किताबों का शौक नहीं होना चाहिए कि शौक के लिए हम पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बात एक उन्होंने बताई थी। फिर उन्होंने क्या क्या कौन से सब्जेक्ट पर पढ़े थे पढ़ा था वो सब बातें उन्होंने बताई है। और जाके आगे जाके वही कहते हैं फिर से भी यही कि अगर आपको ये जानना है कि भाई आप जो पढ़ते हैं वो कितना काम का है और आप इसके पीछे कितना समय गंवाते हैं, तो आप नोट डाउन करिए कि भाई जितना कितना घंटा 1 महीने के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर आपने कितना समय ये पढ़ने के लिए गंवाया या डिस्कशन के अंदर गंवाया। तो आपको कई बार आश्चर्य होगा कि इतना सारा समय हम ऐसा पढ़ने में कि जो कोई साधना के लिए उपयोगी नहीं है ऐसी चीज़ों पढ़ने में ही हम गंवा देते हैं। आजकल तो जो कि इससे भी ज़्यादा समय तो हमारा टीवी और मोबाइल के अंदर जाता है। तो सबसे पहले तो अभी तो ये नोट करना चाहिए कि भाई हमारा कितना समय टीवी देखने में जाता है, कितना समय हम मोबाइल के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये सब चीज़ जो है कोई साधना के लिए तो उपयोगी है नहीं, फिर भी जीवन जरूरी जो जरूरी है जीवन में इतना तो हम उपयोग कर सकते हैं। कोई भी चीज़ है कोई भी साधन है उसका राइट यूज़ कर सकते हैं तो अच्छा है। और उनका कहना ये था कि ठीक है चलो आपने इतना सारा पढ़ लिया इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, पर जब जीवन की घटनाओं घटती है और घटना के दौरान हम कितना स्थिर रह सकते हैं, तो इसलिए वो कहते थे वेन इमोशंस और सेक्स रेज, जब इमोशन और सेक्स का जो तूफान आता है अंदर से तब हम कितने स्टेबल रह सकते हैं, क्या हमारा कोई पढ़ा हुआ कोई चीज़ हमें कुछ मदद रूप बनती है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि भाई हमने जो पढ़ा है वो हमें कहाँ तक मदद कर सकता है, हमारा इमोशंस को हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, इतना सारा पढ़ने के बाद भी हमारे अंदर और कोई भूख होती है उसको हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के कोई विजडम आता है पढ़ने से, तो कभी पढ़ने से विजडम नहीं आता है, थोड़ा नॉलेज बढ़ता है, कभी कभार थोड़ी छोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग भी आती है पर विजडम तो कभी भी नहीं आता है इससे, तो कोई खास कोई फायदा पढ़ने का है नहीं। और जो समय हम गंवाते हैं वही समय को अगर हम साधना में, जैसे कि हमारे पास तो 3 SRB 24 घंटों का काम है कि 3 SRB को 24 घंटे के लिए बिताना है, तो जो समय हम पढ़ने में गंवाते हैं तो शांति से बैठ के इतना
समय आधा घंटा जितना या जितना समय मिले इतना हम प्रैक्टिस में क्यों ना लगाए। तो प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है, पढ़िए पढ़िए, पढ़ना कोई गुनाह नहीं है, पर पढ़ने के बाद अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जब ऐसे टर्मोइल तूफान आएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। और उसके बाद उन्होंने लाइट ऑन पाथ में से बहुत सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें बताई थी। फिर अलग अलग प्रकार के योग के बारे में बताया था, ज्ञान योग के बारे में, भक्ति योग के बारे में, राजयोग के बारे में, जप योग के बारे में। पर खास भक्ति के अंदर उन्होंने खास एक पॉइंट यही बात ये की थी कि भाई एक भक्ति योग में जो आदमी होता है वो नॉर्मली अच्छा आदमी होता है, साफ सुथरा होता है, पर उसका प्रॉब्लम क्या है कि वो छोटी छोटी बातों में इमोशनल हो जाता है, ओवर सेंसिटिव हो जाता है। और जब भी कोई आदमी ओवर सेंसिटिव हो जाता है तो वो डेंजर हो जाता है, क्योंकि वो उसके बाद में क्या स्टेप लेगा वो उसको भी पता नहीं होता है, अंदर से एक जुनून आ जाता है। और ख़ास करके हम देखते हैं कि कई जो सो कॉल्ड धार्मिक लोग होते हैं उसके अंदर ऐसी चीज़ होती है, अगर आपने उसके धर्म के बारे में अगर कुछ भी बोल दिया तो एक तूफान सा खड़ा कर देंगे, एक गड़बड़ कर देंगे। तो ये इमोशंस का राइट यूज़ करना चाहिए। ओवर सेंसिटिव बनते हैं तो वो तो एक नेगेटिविटी के तरफ ले जाता है। तो भक्ति योग की या इसमें एक ये की ही मर्यादा है कि वो व्यक्ति को भी जो तावरिया जी कहते हैं ये करेक्टिव मेथड वगैरह उसको करना चाहिए, उसको एक बैलेंस में लाना चाहिए। और उसके बाद में जो कोई भी योग करना चाहे, ज्ञान योग करे, भक्ति योग करे, राजयोग करे, कोई चिंता की बात नहीं है। पर सबसे पहला इम्पोर्टेंट बात यही है कि अगर वो नहीं किया है और खाली करेक्टिव मेथड नहीं किया है और खाली कोई पर्टिकुलर योग के ऊपर चिपका रहता है तो ये एक मुश्किल बन जाती है। क्योंकि तावरिया जी हमेशा कहते थे कि भाई जो भी आपका अप्रोच हो वो साइंटिफिक होना चाहिए, और इसीलिए वो उनके योग को साइंटिफिक योग कहते थे। क्योंकि अगर अप्रोच साइंटिफिक है तो हम कुछ पा सकते हैं, बाकी तो हैपेजार्डली सब होता रहता है, तो अंत में कुछ खास प्राप्त नहीं होता है। तो एक और बात भी ध्यान में रखनी है कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा है कि भाई आप जो कर रहे हैं बंद कर दो और मैं जो बता रहा हूँ वही करो। वो कहते हैं कि जो आपको करना है आपकी मर्जी है, आपकी फ्री विल है और आप कर सकते हैं, पर इसके साथ में अगर आपने ये करेक्टिव मेथड में ये सब काम नहीं किया तो आपको अल्टीमेटली एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो नहीं मिलेगा। और यहाँ करेक्टिव मेथड का मतलब मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि उनकी सिस्टम में जो कुछ करना है वो सब हमको करेक्टिव मेथड ही समझना है। तो 3 स्टेप भी करेक्टिव मेथड है, रिफाइनिंग करते हैं, फेस करते हैं, प्रिज्म करते हैं, करेक्टिव एक्सरसाइज करते हैं, ये सब करेक्टिव मेथड के हेड के नीचे आता है। तो ये सब हमें करना पड़ता है, और उसके बाद में हम जो चाहे, हमारा धर्म है, हमारी कोई हम और कोई हमारी पद्धति है वो हम कोई फॉलो करना, हम कोई किसी और गुरु को फॉलो करना चाहते हैं, तो ये सब की स्वतंत्रता है, उसमें कोई ना नहीं कह सकता, पर इतना करना पड़ेगा, करेक्टिव मेथड आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो वही बात अब आज आगे समझाते हैं, वो देखते हैं। तो इनर डिसिप्लिन पेज नंबर 41। वेन एवर वी से इट इज एसेंशियल टू फर्स्ट रीच दैट क्रिटिकल सर्टेन स्टेज, वी मीन दैट वॉट एवर द रोड बाई विच अ पर्सन विशेष टू गो, इट इज इंटिव दैट अलॉन्ग विथ कर्म हथ भक्ति ज्ञान राज सिंथेसिस और कोऑर्डिनेटिंग योग द प्रॉपर करेक्टिव मेथड एंड अदर्स डिसिप्लिन इज लेड डाउन एंड शोन लेटर शुड बी इम्प्लीमेंटेड। तो यहाँ यही बात आती है कि आपको कोई भी कुछ भी करना है, कर्म योग करना है, भक्ति योग करना है, राजयोग करना है, करिए आप, पर आपको ये करेक्टिव मेथड जो है उसको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, तब जाके आप ये क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंच पाओगे। उसके बिना बहुत मुश्किल है ये स्टेज के ऊपर, प्रत्यार का स्टेज के ऊपर जाना। क्योंकि ये बार बार क्यों ये स्टेज का जिक्र करते, क्योंकि जब एक व्यक्ति पूरी ताकत से वहाँ तक पहुँच जाता है
तो एक उसकी जर्नी, उसके बाद आगे की जर्नी उसकी सेफ हो जाती है। वहाँ तक ही इतनी ज़्यादा जरा मेहनत करनी पड़ती है उसके, क्योंकि उसके बाद में तो उसका अंदर का गुरु प्रकट हो जाता है, उसका आत्मा ही उसका गुरु बन जाता है। फिर बाहर का कोई न गुरु की ज़रूरत पड़ती है, न कोई किताब की ज़रूरत पड़ती है, न कोई आउटसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, अंदर से ही उसको पूरा ज्ञान मिलता ही रहता है। तो वहाँ एक क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुँचने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद में तो अंदर से गाइडेंस मिलता रहेगा और हम अच्छी तरह आगे की साधना करते रहेंगे, और उसके बाद में एक हमारी साधना सिक्योर बन जाएगी। क्योंकि अभी तो हम करते हैं और फिर नीचे उतर जाते हैं, करते हैं और नीचे उतर, बार बार ऐसा होता है। पर प्रत्यार के स्टेज के बाद में एक एक स्थिरता आती है और हम धीरे धीरे करके अच्छी तरह आगे जा सकते हैं। इन एब्सेंस ऑफ दिस इवन द मोस्ट सिंसियर एफर्ट्स वुड नॉट यील्ड द रिजल्ट अ पर्सन वुड एक्सपेक्टेड टू अचीव इवन आफ्टर वर्किंग सो डिलीजेंटली अलोंग द पाथ। तो यही बात है कि अगर आपने, तो अगर ये नहीं करते और दूसरा करते हैं तो कितना भी हम डिलीजेंटली काम करेंगे, खन पूर्वक भी काम करेंगे, पर एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा। क्योंकि इसका एक ही कारण है कि बार बार ये अंदर के जो टर्मोइल है वो आते रहेंगे और हमें साधना से विमुख कर देंगे। तो पहले तो हमारे अंदर की स्थिरता के लिए कुछ काम करना पड़ता है, फिर अध्यात्म का मार्ग जो है वो, उसके ऊपर हम शांति से आगे चल सकते हैं। तो इसके लिए बार बार ये कहते हैं कि भाई आपको ये सब, ये स्टेज के ऊपर पहले जाना चाहिए, उसके बाद में आप और इसके साथ में जो कर रहे हैं वो ठीक है, पर कम से कम इतना करना जरूरी है, नहीं तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेगा। बाय ऑल मीन्स टेक द रोड दैट अपील टू यू मोस्ट, बट यू मस्ट रिस्पेक्ट द साइन बोर्ड कॉमन टू एवरी रोड। तो कुछ साइन बोर्ड हम जब चलते हैं तो कुछ साइन बोर्ड होते हैं और उसको हमेशा हमें ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि वो साइन बोर्ड है वो जो है वो हमें डायरेक्ट करते हैं कहाँ किस तरह जाना है और क्या फॉलो करना है। तो साइन बोर्ड क्या क्या है, तो पहला तो एक ये कोटेशन जैसा है कि भाई व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ एंड बर्थ। तो ये हमारे अंदर एक कोटेशन की तरह हमारे अंदर एक बैच जाना चाहिए, एक साइन बोर्ड हो जाना चाहिए कि हम जो भी करते हैं, जहाँ जाते हैं, जो करते हैं, तो एक हमारे अंदर ये प्रश्न हमेशा उठना चाहिए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ बर्थ एंड लाइफ। और दूसरा साथ साथ में कि भाई मैं जो अभी कर रहा हूँ वो जो मेरा ये एम है, पर्पस है, वो पर्पस को वो सॉल्व करेगा जो भी मैं कर रहा हूँ, जिस तरह मैं कामकाज कर रहा हूँ, जिस तरह मैं पैसा कमा रहा हूँ या जिस तरह और कुछ कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें, क्या मेरा जो गोल मैंने बनाया है जीवन विकास का गोल या जिस कोई भी गोल जो आपने बनाया है उसके ऊपर क्या ये चीज़ हमें मदद करती है उसमें ले जाने के लिए। तो पहला ये सेंटेंस होगा व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ एंड बर्थ। फिर दूसरा ये प्रश्न होना चाहिए डू यू सब्जेक्ट योर कोडेड इम्पल्सिस, कोडेड इनकमिंग इम्पल्सिस एंड योर डिकोडेड थॉट्स टू द डिसइन्फेक्शन चैम्बर। अब डिसइन्फेक्शन चैम्बर को समझना चाहिए क्योंकि ये एक तावरिया जी की सिस्टम में एक टिपिकल वर्ड है और एक ये क्या है उसको जानना चाहिए। तो जैसे हम जानते हैं कि भाई सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक एटमोस्फियर होता है और एटमोस्फियर का अलग अलग पर्पस है, उसमें से एक पर्पस ये है कि सूर्य के अंदर से जो रेज आते हैं तो कुछ ऐसे रेज है जो हमारा ये पृथ्वी के ऊपर जो जीव है, जो सृष्टि है, उसको नुकसान कर सकती है। तो बहुत सारे रेज ऐसे निकम्मे हैं कि जो अगर वो आ जाते हैं यहाँ तक तो सबको बहुत नुकसान होता है। तो कुदरत ने क्या किया, एक एटमोस्फियर ऐसा बनाया है, ये एक टाइप का फिल्टर जैसा है कि उसमें से कुछ ही चीज़ जो है जरूरी चीज़ है वही पृथ्वी के ऊपर आ सकती है। इस तरह भगवान ने हमारा जो बॉडी ब्रेन सिस्टम है उसके आजू बाजू में एक ऐसा ही आवरण बनाया है जिसको डिसइन्फेक्शन चेम्बर कहते हैं।
तो जो हमारे यहाँ बॉडी ब्रेन सिस्टम में जो इनकमिंग इम्पल्सिस आते हैं, वो इनकमिंग इम्पल्सिस में जो हमारे अंदर जो अनुरूप होते हैं, इस तरह ही हमारे अंदर आए, वो जरूरी है। क्योंकि इम्पल्स का मतलब क्या है कि जो जो थॉट्स बन रहा है उसका जो रॉ मटेरियल है उसको इम्पल्स कहते हैं, और इम्पल्स जो आते हैं उसमें से ही थॉट बनने वाला है। अगर वो गलत इम्पल्स आ गया, मानो कि गुस्सा का इम्पल्स कहीं से अंदर घुस गया, तो वो गुस्सा को ही जनरेट करेगा। या कोई क्रिमिनल टाइप का एक इम्पल्स कहीं से अंदर हमारे अंदर आ गया, तो वो इस तरह की प्रवृत्ति के लिए हमें उकसाएगा। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारा डिस इन्फेक्शन चेम्बर एक क्लियर कट होना चाहिए। हम जैसे महाभारत में हम देखते थे कि भाई इसको कर्ण को कवच कुंडल दिया गया था उसका प्रोटेक्शन के लिए। तो ये हमारे जो डिस इन्फेक्शन चेम्बर है वो हमारा एक प्रोटेक्टिव लेयर जैसा है, कि जिसमें से अंदर से जो इनकमिंग इम्पल्स अंदर आते हैं वो उसके थॉट बन जाते हैं। तो डिस इन्फेक्शन चेम्बर ऐसा हमें बनाना है साधना के द्वारा, कि जिसके द्वारा जो अच्छे इम्पल्सिस है वो ही हमारे अंदर आए, ताकि हमारे अंदर गलत विचार ना बने या गलत प्रवृत्ति हमसे ना हो। तो साधना का हेतु और तावरिया जी ने जो जो चीजें बताई है वो सबकी प्रैक्टिस करते करते हमारा जो डिस इन्फेक्शन चेम्बर है वो इतना अच्छा हो जाता है कि हम फिर अच्छे प्रकार के ही इम्पल्स हमारे अंदर आएंगे। तो ये है डिस इन्फेक्शन चेम्बर। डू यू अप्लाई द करेक्टिव मेथड्स? तो करेक्टिव मेथड के बारे में भी मैंने बताया कि जो जो उन्होंने बताया है वो सब करेक्टिव मेथड हमें समझना है। और ये इसका मतलब ये कि रोजाना हम रिफाइनिंग करते हैं क्या, रोजाना 3 स्टेप करते हैं, और जो लोग आगे थोड़े बड़े हैं वो लोग को फेस जिनको करना चाहिए वो रोजा वो जब फेस का टाइम आता है तो फेस करते हैं, रेगुलर प्रिज्म रेगुलर करते हैं। ये सारी चीजें करेक्टिव मेथड के अंदर है और वो सब हमें रेगुलरली करना पड़ता है। ये सब साइन बोर्ड जैसा है, जो चीज हमें रिलीजियसली फॉलो करना है वो हमारी सब साइन बोर्ड है। इफ यू डियर रीडर नो द रोड सो वेल दैट यू नीड नॉट लुक अप एट एनी साइन बोर्ड और हैव नेवर बाय चांस हैव लुक्ड एट दिस साइन बोर्ड ऑन द रोड, वी ओनली से गॉड बी विथ यू। उसके पहले एक ये भी था, 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग का भी था, डू यू प्रैक्टिस 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। और उसके बाद में कहते हैं कि ये सारे जो साइन बोर्ड अगर आप उसको बाईपास कर देते हैं, उसके प्रति ध्यान नहीं देते हैं, और आपको लगता है कि मुझे कोई इसकी जरूरी जरूरत ही नहीं है, मेरी तो साधना अच्छी हो रही है, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, तो फिर भगवान आपको बचाएगा उसके अलावा कोई। क्योंकि शुरुआत में ऐसा लगता है कि सब हमारा बढ़िया चल रहा है, पर एक पॉइंट के आकर बहुत सारे साधक रुक जाते हैं, फिर आगे कुछ उनका होता नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो बेसिक काम करना चाहिए वो नहीं किया होता है। तो इसीलिए फिर तो तुम भगवान है, अगर आपका सब ठीक चला तो ठीक है, नहीं तो बाकी तो परमात्मा की मर्जी, ऐसा होता है। लेट अस नो नाउ कंसिडर द बुक्स ऑन द सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट। देर आर गुड टू रीड इफ वन हैज टाइम, एंड दिस टाइम कैन नॉट बी मोर प्रॉफिटेबल यूज फॉर सेल्फ एडवांसमेंट। अब कई लोगों को सेल्फ एडवांसमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपना विकास करने का कोई विकास ये नहीं है, इम्पोर्टेंस ना जान मानते हैं और ना कुछ करते हैं, मतलब कि जो प्रैक्टिकल साइड है वो कई लोग करते ही नहीं है, वो उन लोगों को पढ़ने का ही शौक है। तो कहते कहते हैं कि भाई ठीक है चलो भाई, आपको आप सेल्फ इसके एडवांसमेंट के बारे में कुछ नहीं करते और आपके पास टाइम है तो पढ़ो और क्या। व्हाइल फेसिंग द डे टू डे लाइफ, मच मोर देन मियर एडवाइस इज नेसेसरी एंड प्रैक्टिकल डायरेक्शन आर वेरी एसेंशियल। तो मच मोर देन मियर एडवाइस, खाली अगर आप पढ़ के एडवाइस लोगे और कुछ करोगे नहीं, प्रैक्टिकल काम नहीं करोगे, तो वो एडवाइस का क्या होगा। तो सब किताबों के अंदर ये तो सब लिखा ही होता है कि क्रोध मत करो, ये मत करो, वो मत करो, शांति रखो,
हमने देखा है ना आगे एक बार, काम क्रोध लोभ मोह, तो सब शास्त्र कहते हैं भाई इससे मुक्त हो जाओ, पर कैसे मुक्त हो वो पता नहीं है। और दूसरा ये है कि मुक्त होने की इच्छा भी बहुत कम होती है, बहुत बहुत एक वीक विल होती है हमारे अंदर, तो कोई हम कुछ प्रयत्न नहीं करते हैं, तो ऐसा कोई पढ़ने से फिर कोई फायदा नहीं है। इन ऑल सच बुक्स वी गेट ओनली थियोरेटिकल एडवाइस और हिंट्स टू इम्प्रूव अवर कैरेक्टर एंड कंडक्ट, बट द हाउ इज नॉट शोन। तो यही प्रॉब्लम है कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर, इवन हमारे बहुत सारे शास्त्र जो फिलोसॉफिकल शास्त्र है, इनके अंदर ये सब अच्छा बनने की बात कही है, परमात्मा की भी बात कही है, आत्मा की भी बात कही है, पर किस तरह ये करना है, किस तरह उसको अचीव करना है वो बताया नहीं जाता है। इसलिए अगर कोई अच्छा सीकर है वो कुछ करना चाहता है वो भी नहीं कर पाता है, उसको अच्छी तरह मार्ग पता होना चाहिए। ऑल दिस कॉल्स फॉर द हाइएस्ट डिग्री ऑफ इनवर्ड पोइज, इंटेलेक्ट, प्योरिटी ऑफ हार्ट, अंडरस्टैंडिंग, कैरेक्टर एंड मच मोर। तो ये जो लक्ष्य अगर हमारा कोई है, वहां तक अगर हमें पहुंचना है, तो हमें इनवर्ड पोइज चाहिए, अंदर एक संतुलन चाहिए हमारे अंदर, हमारे अंदर एक बुद्धि की क्षमता भी चाहिए, प्योरिटी ऑफ हार्ट चाहिए, हमारा हृदय हृदय जो है पवित्र होना चाहिए, अंदर एक कुछ कनिंग ने कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है इसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, और इस तरह की चीज होगी तो हमें अध्यात्म के मार्ग के ऊपर ये सब ले जाएगी। इफ वन शुड बी एबल टू रीच द गोल, फॉर द गोल इज नो ऑर्डिनरी गोल, इट मीन्स द पर्सन कंसर्न वॉन्ट टू मीट हिज पायलट फेस टू फेस एंड नथिंग लेस देन दैट विल सेटिस्फाई। तो उसका अगर गोल इतना ऊंचा है और वो गोल ये है कि उसको उसके अंदर का जो परमात्मा उसके अंदर बैठा है, उसका जो आत्मा है या उसका जो गुरु है, उसको फेस टू फेस उसको जानना है, उसको रूबरू करना है, उसको देखना है उसको, तो वो उसको उसके अलावा और कुछ चीज सेटिस्फाई नहीं करेगी। ऐसा अगर गोल है तो आपको इस तरह ये सारी चीजों को अप्लाई करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका गोल सामान्य गोल नहीं है, आपने अंदर जो परम तत्व पढ़ा है उसको जानना आप चाहते हैं जब, तो बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ती है। नेक्स्ट, लेटेस्ट रिव्यू दोज बुक्स दैट आर कॉमेंट्रीज ऑन द गीता उपनिषद वेदांत एज ऑल्सो द कॉमेंट्रीज ऑन द बाइबल द कुरान द अवस्था एंड सच अदर बुक्स ऑन द ग्रेट रिलीजियंस ऑफ द वर्ल्ड। अब जो पूरे विश्व के जो बड़े बड़े धर्म हैं और धर्म के जो सबसे इम्पोर्टेंट जो धर्म ग्रंथ है उसके बारे में वो जानने की बात करते हैं कि वो जो है उसके अंदर जो कमेंट्रीज जो है इनकी उसके अंदर क्या बताते हैं वो हमें रिव्यू करना है उसका। इंडीड दे मेक वंडरफुल रीडिंग। तो ये सब धर्म ग्रंथों का जो जो पठन है रीडिंग है वो बहुत अद्भुत चीज होती है। ग्रेट पीस डिसेंड्स ऑन वन इवन एट द मेंशन ऑफ सच बुक्स। अगर ये ग्रंथ का नाम भी लेते हैं तो हमारे अंदर एक एक शांति या एक सद्भाव का या एक परम तत्व के प्रति का एक भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है। एज टू द फंड ऑफ विजडम दे कंटेन। तो ये जो सब धर्म ग्रंथ है इस तरह के बड़े बड़े उसके अंदर फंड ऑफ विजडम है, ज्ञान का भंडार जैसे ये सब की धर्म ग्रंथ है। देर इज नो डिस्प्यूट द फैक्ट। तो ये हकीकत के बारे में तो कोई दूसरा मत है नहीं। दिस आर वंडरफुल कॉमेंट्रीज रिलेटिंग टू दिस स्प्लेंडिड वर्क्स। तो ये जो भव्य काम किया गया है ये कमेंट्री के अंदर, क्योंकि हर एक ग्रंथ के ऊपर
बहुत सारी कमेंट्रीज आपको मिलेंगी। गीता के ऊपर आप देखेंगे तो ढेर सारी कमेंट्रीज आपको मिलेंगी, और हर धर्म के ऊपर, चाहे वो बाइबल हो या कुरान हो या अवस्था हो, सबके ऊपर आपको कमेंट्रीज बहुत सारी मिलेंगी, और वो बहुत स्प्लेंडिड वर्क है। हाउ एवर एन एवरेज पर्सन इन ऑल सच केसेस ऑन क्लोजिंग सच बुक्स इनवेरिएबली However, an average person in all such cases on closing such books invariably closes his eyes and thinks, how far, when, how? Those who are sincere seekers have testified to these expressions or something akin to this thought. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप साधना के मार्ग पर है और आप आगे बढ़ते हैं, पर फिर भी बहुत लंबे समय तक हमें अंदर कुछ दिखाई नहीं देता है, ऐसा ही लगता है कि इतना सारा काम करते हैं पर अंदर जो एक एक प्रकाश आना चाहिए, एक शांति आनी चाहिए, एक स्थिरता आनी चाहिए, इतने सालों के बाद भी क्यों नहीं आती है, तो आदमी या फिर इस तरह के अच्छे अच्छे कॉमेंट्रीज पढ़ते हैं, उसके बाद में भी उसको लगता है कि ये सब बताया पर मैं कहाँ हूँ, और जिसने काम किया है उसको भी ऐसा लगता है कि अभी भी मैं कहाँ हूँ, तो आंख बंद करके सोचता है कि मैं कहाँ हूँ। और जो सच्चा साधक है उसके अंदर एक पीड़ा होती है कि इतने समय से मैं कर रहा हूँ पर अभी भी कहाँ कोई कोई निश्चित स्थान पर मैं पहुंचा हूँ ऐसा लगता नहीं है, अब कितना दूर है, कितना काम करना पड़ेगा। अंदर से एक सच्चे साधक को पीड़ा होती है, उसके अंदर से एक प्रार्थना उठती है कि भगवान कब ये सब अंदर से मुझे स्पष्टता आएगी, या ऐसे भक्तों की भाषा में कहे तो कब मेरा बेड़ा पार होगा। तो इस तरह के अंदर एक भाव होते हैं और वो सही भाव है, क्योंकि एक जो पीड़ा होती है वो आगे ले जाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई अपनी साधना से संतुष्ट है तो उसकी आगे ज्यादा प्रगति नहीं होगी, अंदर एक पीड़ा होनी चाहिए, निरंतर आगे बढ़ने का एक अंदर भाव रहना चाहिए कि मुझे और आगे जाना है, मुझे अंदर जो डिवाइन तत्व पड़ा है उसको जानना है, या जो एनलाइटनमेंट क्या कहते हैं वो जानना है। तो इस तरह का अंदर का एक कोई उसका गोल है और उसके तक वो नहीं पहुंचता है तो एक पीड़ा होती है, और वो पीड़ा बहुत काम की है। तो एक बार मैंने तवरिया जी को यही सवाल पूछा था कि भाई हम इतने सालों से काम कर रहे हैं तो अभी भी जैसे अंदर तो अंधेरा ही लगता है, जैसे कोई प्रोग्रेस किया है वो ऐसा ही लगता ही नहीं है। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था कंपैरिजन के साथ में कि देखो सूर्य उगता है उसके पहले तो कितना अंधेरा होता है, और सारी रात अंधेरा होता है, मतलब रात को 9 बजे भी अंधेरा होता है, 12 बजे भी होता है, और 4 बजे भी होता है, पर जो अंधेरा होता है वो अलग अलग, वो अंधेरे की क्वालिटी है, वो इंटेंसिटी है, वो सब अंधेरे की को अलग अलग है। तो इस मार्ग के ऊपर आप चलते हो तो अंधेरा तो लगता है, तो हो सकता है कि 9 9 से लेके आप अभी 12 पर पहुंचे, या 2 के ऊपर पहुंचे, या 3 के ऊपर, इवन सूर्यास्त के पहले पहले भी आप नजदीक भी पहुंच चुके हो, फिर भी हो सकता है कि आपको अंधेरा ही लगे कि अभी तक क्यों दिखाई नहीं देता है। पर एक मोमेंट जब सूर्य उगने से पहले का जो आकाश खुल खुल खिलता है तब पता चलता है हाँ अभी रोशनी आनी शुरू हुई। तो वो यही बात बताते थे कि भाई आप धीरज रखो और चलते जाओ, ऐसा नहीं है कि आप काम कर रहे हो और फिर भी आप आगे नहीं बढ़ रहे है, पर ऐसा अंधेरा लगेगा क्योंकि ये उजाला देखने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए और बहुत निरंतर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो यही बात हमें साधक के रूप में समझनी चाहिए कि भाई काम तो करना पड़ेगा, और कई बार निराशा भी होगी, ऐसा भी लगेगा कि भाई अब कितना काम करना है, कब तक करते रहेंगे, कुछ अंदर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, तो धीरज रख के ये सब कंटिन्यू करना पड़ता है। आफ्टर सच रीडिंग इज ओवर द एवरेज पर्सन री इन्फोर्स एंड आर्म्ड विद ग्रेट रिजोल्यूशन फेसेस नॉर्मल लाइफ एंड स्टीयर्स क्लियर एंड क्वाइट वेल फॉर सम टाइम। अब कई बार ऐसी चीज हम पढ़ते हैं, कोई अच्छी चीज पढ़ते हैं तो एक जुस्सा आ जाता है अंदर से, ऐसा होता है कि नहीं अभी तो मुझे आगे बढ़ना है, वो कोई प्रतिज्ञा लेता है मैं रोज उठ के ऐसा ही करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इसके अंदर एक री इन्फोर्समेंट आ जाता है।
वो कितना समय टिकता है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जो आउटसाइड से जो चीज़ हमें इंस्पायर करती है वो बहुत लंबे समय तक चलती नहीं है, क्योंकि अंदर तो जो हमारी वीकनेस पड़ी है वो बार बार वो अपना सर उठाएगी, और वो वीकनेस जो हमें चाहे रिजोल्यूशन लिए है कुछ भी किया है उसको वो तोड़ देती है, और फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। देन सडनली वन डे अ ग्रेट टाइडल वेव कम्स ओवर फ्रॉम द ओशन ऑफ इमोशन एंड सेक्स, और अ ग्रेट वॉल्केनो बर्स्ट इन ऑल इट्स फ्यूरी, एंड इन डिस्परेशन द पर्सन क्राइज, रियलाइजिंग दैट द गीता, द उपनिषद, द वेदांत, द बाइबल, द कुरान, द अवस्था एंड अदर इक्वेलेंट रीडिंग वर्क्स ओनली फॉर ए लिटल वाइल एंड फॉर सम रीजन मस्ट बी सेट असाइड इन प्रैक्टिकल लाइफ। ऐसा ही होता है, हम जो बाहर से पढ़ते हैं तो वो जब तक हमारे अंदर एक, इसीलिए वो बार बार कहते हैं ना भाई सर्टेन क्रिटिकल स्टेज तक नहीं पहुंचेंगे तब ये बार बार ऐसा ही होता रहेगा। तो बाहर से कुछ पढ़ते हैं तो थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है, जोर लगा के काम भी करते हैं, पर जब अंदर से एक तूफान आता है तो ये सारी चीजें जो कुछ पढ़ा है जो नॉलेज है वो सब एक साइड रह जाता है, और हम ऐसी चीजों के अंदर फंस जाते हैं, और फिर बार बार जब ऐसा होता है तो आदमी के अंदर एक निराशा आ जाती है, और कई बार लोग मार्ग भी छोड़ देते हैं कि अभी छोड़ो अभी उसको ये बाद में देख लेंगे करके, वो फिर नॉर्मल लाइफ जिस तरह जीता था इस तरह जीने लगता है। तो ऐसा बार बार ऐसा इस तरह का एक पतन होता है, पर जो अच्छा साधक है उसको बार बार इसमें से उठना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। तो निराशा तो जीवन में, अध्यात्म जीवन के अंदर भी बार बार निराशा आएगी, कई बार ईगो को चोट पहुंचती है, या कई बार ऐसा होता है कि जिस ग्रुप के अंदर वो है जिन सीसीएल लोग है उसके साथ में वो लोग ही उसको नीचे की ओर खींचते हैं और उसकी टीका करते हैं, एक वो उसको एकदम निराशा आ जाती है। कई बार ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है, पर क्योंकि अभी उसने वो स्टेज के ऊपर गया नहीं है इसलिए ये सब चीजें होती रहती है, उसको फिर से उठ के फिर आगे चलना पड़ता है। द ऑफ गार्ड मोमेंट प्रूव्ड फेटल। अब ये ऑफ गार्ड स्थिति हमारी बन जाती है। कवरे जी थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग को एक सेफ गार्ड कहते थे, कि अगर थ्री स्टेप आपका निरंतर चालू रहेगा तो एक सेफ गार्ड है आपके साथ में, पर नॉर्मल कोर्स में तो लोग ये थ्री स्टेप करते नहीं है तो ऑफ गार्ड हो जाते हैं, आपके पास कोई प्रोटेक्शन है ही नहीं आपके आपके पास में। तो जब ऐसे इमोशंस इमोशनल घटनाएं घटती है वो एकदम वो फेटल हो जाती है, एकदम वो जीवलेवा घातक हो जाती है। दिस इज द सैड एक्सपीरियंस ऑफ ऑल ऑफ अस हु स्ट्रगल एंड टॉइल्ड अनफ्लिंचिंगली, एंड ऑल्सो वी हैव हर्ड एंड रेड ऑफ दिस स्ट्रगल्स दैट अदर्स पास थ्रू। तो ये हमारे जीवन में हमने सबने ये अनुभव किया है कि भाई ऐसा होता है, बार बार हम प्रयत्न करते हैं और किसी इस तरह का तूफान आता है तो हम टूट जाते हैं, ये सब कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, और कई बार फैमिली डिस्टर्बेंसेस होते हैं, कभी किसी कोई किसी का डेथ होता है कोई नजदीकी व्यक्ति का, ऐसी कुछ कई जो एक गहरी घटनाएं होती है वो हमारे ऊपर बहुत इम्प्रेशन छोड़ जाती है, और फिर कई बार ऐसा होता है कि क्या फायदा है ये सब करने पर। तो इस तरह बार बार होता है, पर और हम देखते हैं कि दूसरे के जीवन में भी ये सब होता है, पर फिर भी हमें उठ के काम तो करना ही पड़ता है, अपने अपने आप को संभाल के आगे चलना ही पड़ता है। यहाँ एक विवेक चुदामनी का बहुत अच्छा सा कोटेशन दिया है, टॉक एज मच फिलोसफी एज यू प्लीज, वर्शिप एज मैनी गॉड एज यू लाइक, ऑब्जर्व ऑल सेरेमनीज, सिंग डिवोटेड प्रेजिस ऑफ एनी नंबर ऑफ डेटीज, लिबरेशन नेवर कम्स इवन एट द एंड ऑफ 100 कल्पास विदाउट रियलाइजेशन ऑफ द वननेस ऑफ सेल्फ। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता है
जब आत्मा का एकीय का अनुभव नहीं होता है अंदर, तब तक चाहे कुछ भी कर लो कुछ नहीं होने वाला है। ये चीज बनती नहीं है। आप चाहे कुछ भी कर लो, फिलोसॉफी कर लो, आप भक्ति कर लो, परमात्मा को खुश करने के लिए कुछ भी कर लो, या फिर सेरेमनीज करो, भजन गाओ, कीर्तन गाओ, जप करो, तप करो, पर अंदर का। और दूसरा एक उपनिषद के अंदर भी इस तरह का एक है कि जब अंदर का आत्मा खुद ये निर्णय करता है कि अब मुझे प्रकट होना है, उसी समय आप आत्मा का अनुभव कर सकते हो, उससे पहले नहीं। तो ये चीजें तो हम करते रहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीजें करने से ये रियलाइजेशन हो जाएगा। वो तो वो परमात्मा या हमारा आत्मा खुद तय करता है, हमें तो खाली काम ही करना है। तो गीता में जिस तरह कहते हैं, माँ फलेषु कदाचन, इस तरह फल की आशा किए बिना काम करते ही जाना है। और एक दिन जब वो परम तत्व या हमारा अंदर का तत्व तय करता है, उस दिन हमें रियलाइजेशन होता है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम इसके ऊपर छोड़ दें कि भाई वो उसको करना है तब करें, अभी हमें तो क्या करना है। जब अगर हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो कभी भी वो दिन आने वाला नहीं है। एक निमित्त तो कोई हर चीज का बनना चाहिए, और हमारी जो प्रैक्टिस है वही इस चीज को लाने के लिए निमित्त बनती है। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस करने से ये चीज मिल जाती है। परम तत्व कोई प्रैक्टिस करने से मिलता है ऐसा नहीं है। और योग सूत्र में भी कहते हैं महर्षि पतंजलि कि भाई प्रैक्टिस करते हो उसका मतलब ये नहीं कि आत्मा आपको मिल जाएगा, पर प्रैक्टिस करने से क्या है कि आप और आत्मा के बीच में जो कुछ जो कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, जो वीड्स है, वो सब साफ करने का ये ही। काम है तो फिर आगे जाके एक दिन ये पॉसिबल होता है। तो ये विवेक चूडामणि के अंदर इस तरह का एक बहुत अच्छा ये कोटेशन दिया है। अब आगे देखते हैं। हाउ लॉन्ग डज द रीडर विश टू एंगेज हिमसेल्फ इन सच हार्ट ब्रेकिंग एफर्ट्स? वी टूडे इन आवर एज एप्रिसिएट द वैल्यू ऑफ रिच एक्सपीरियंस एंड डू नॉट बिलीव इन लर्निंग बाई ट्रायल एंड एरर। वुड यू नॉट लाइक टू अप्लाई अलॉन्ग विथ सच फैसिनेटिंग रीडिंग द मेथड एंड डिसिप्लिन दैट ब्रिंग वन फर्स्ट टू दैट क्रिटिकल सर्टेन चेंज? तो यहाँ ये फिर से यही बात करते हैं कि भाई ये अध्यात्म मार्ग कोई ट्रायल एंड एरर का मार्ग नहीं है कि हमने ये पढ़ लिया, ये कर लिया, थोड़ा ये चलो ये ट्राई करके देखते हैं, ये चीज अच्छी लगती है तो ये कर लिया। ये ट्रायल एंड एरर का मार्ग ही नहीं है। हमें जो समझ में आता है उसको सिंसियरली करना पड़ता है, और लंबे समय तक उसको करना पड़ता है, तब जाके उसका रिजल्ट आता है। फिर अगर इतनी चंचलता है, थोड़े समय ये किया, थोड़ा समय वो किया, तो अध्यात्म में तो ये बिल्कुल काम नहीं करता है। ये बात खास समझ में आनी चाहिए। और फैसिनेटिंग रीडिंग के बाद में भी अगर आप अगर इसे क्रिटिकल स्टेज मिल जाता है तो ठीक है, पर वो तो मिलने वाला नहीं है। तो ऐसा फैसिनेटिंग रीडिंग करके फिर कर आगे क्या फिर? तो ये तो हमें अंदर प्रश्न उठना चाहिए ना कि अगर हम इतना समय से पढ़ रहे हैं और हमारे अंदर कुछ कुछ उगता नहीं है, तो हमें समझना चाहिए कि हमें और कुछ करने की जरूरत है। तो और सबसे पहले क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक हम किस तरह पहुंच सके, ऐसी प्रैक्टिस हमें ढूंढनी चाहिए। जो सच्चा साधक है वो तो वही देखा कि कहा भाई एक निश्चित जो भूमिका है वहां तक तो हमें पहले पहुंचना चाहिए ना। तो इसके लिए ये सब प्रैक्टिस करनी जरूरी है, और हर एक साधक को अपनी प्रकृति के हिसाब से ढूंढ लेना चाहिए कि भाई मैं क्या करूं ताकि मैं एक निश्चित भूमिका जिसको हम योग के अंदर प्रत्याहार कहते हैं, तो वहां तक मैं किस तरह पहुंचूं, वो सबका अपना अपना विषय है। तावरिया जी ने तो पूरा साइंस दिया है, इसमें श्रद्धा है तो उसको कोई अप्लाई कर सकता है, उसको श्रद्धा नहीं है तो वो को अपना मार्ग ले सकता है, पर किसी भी हालत में यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा, क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक। अदर बुक्स ऑन सेल्फ हेल्प आर ऑल्सो गुड, बट इन कंपेरिजन गिव इन्फेंट नॉलेज वेन कंपेयर्ड टू द गीता, द उपनिषद, द वेदांत, द बाइबल, द कुरान, द अवस्था और वर्क्स ऑफ अदर ग्रेट रिलीजियंस ऑफ द वर्ल्ड।
तो ये तो हमारे बहुत पवित्र और बहुत महान ग्रंथ है, पर उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा है जिसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, और अलग-अलग विषयों के ऊपर भी लोग लिखते हैं, सेल्फ हेल्प के बारे में बहुत सारे, और आजकल तो पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर ढेर सारे किताबें और टॉक्स आपको मिल जाएंगे। पर ये ठीक है, एक आदमी को थोड़ा सा ऊपर ऊपर से साफ सुथरा रखने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग वगैरह, अंदर जो पड़ा है, जो डीप डाउन में जो हमारा संस्कार पड़ा है उसके ऊपर किस तरह काम करना है वो नहीं सिखाता है। ये ऊपर ऊपर से, जैसे कपड़ा फट गया तो ऊपर से थोड़ी सिलाई कर लो, इस तरह के ये पॉजिटिव थिंकिंग ये वो वगैरह, टेंशन होता है तो ये करो वो करो, ये कोई अध्यात्म के लिए कुछ नहीं है। ये ठीक है आदमी को थोड़ा ठीक ठाक रखने के लिए, ठीक है ये सब पढ़ो और आप कुछ उसमें जो प्रयोग देते हैं वो अप्लाई भी करो, पर इससे कोई आध्यात्मिक मार्ग में कोई फायदा होने वाला नहीं। इसके लिए तो कोई निश्चित टाइप की प्रैक्टिसेस करनी चाहिए जो हमारे एस्ट्रल बॉडी तक हमारे अंदर ये इफेक्ट क्रिएट करे, इस तरह की हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। और बहुत बहुत कम प्रैक्टिसेस अवेलेबल है कि जो एस्ट्रल बॉडी तक पहुंचती है, बहुत सारी हमारे जो 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 जिसको सुपरफिशियल कहते हैं ना, सुपरफिशियल टाइप की प्रैक्टिस या उसकी असर मिलती है, तो ऊपर से थोड़ा थोड़ा सफाई होती है, बहुत अगर गुस्सा है तो जरा थोड़ा कम हुआ, बहुत और कोई और वाइसिस है तो थोड़ा कम हुआ, पर डीप डाउन में जाके कुछ काम नहीं होता है तो वो नहीं चलता है इसके अंदर। वेन सच हायर रीडिंग, वेन इट इज रीडिंग ओनली फेल्स टू गिव अस हेल्प इन अवर डेली लाइफ, द अदर लेसर सब्जेक्ट कैन हेल्प अस मच लेस। तो हमने देखा कि ये सब गीता या उपनिषद का नॉलेज भी जब हमारे अंदर टर्मोइल आता है तो नहीं काम करता है, तो ऐसे छोटी मोटी सेल्फ हेल्प वाले जो कोर्सेज है वो हमें क्या मदद करेंगे, कुछ नहीं होता है, उसके लिए थोरली काम करना पड़ता है। मेथड्स ऑफ धारणा, कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान, मेडिटेशन एंड समाधि, आइडेंटिफिकेशन लूज ऑल मीनिंग्स इफ द इनर मेथड्स ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट रिदम आर नॉट डन थ्रू प्रॉपर मेथड्स एंड डिसिप्लिन। अब कई लोग सीधा ध्यान करने के लिए, बहुत सारे लोग ऐसे उत्सुक होते हैं क्योंकि पढ़ते हैं ध्यान करने से ऐसा मिलता है ऐसा होता है, तो बहुत सारे लोग डायरेक्ट ध्यान करने के लिए सोचते हैं, प्रयत्न भी करते हैं, कई लोग धारणा के अलग-अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर धारणा करते हैं। और कोई समाधि के कुछ प्रयोग जो अगर कोई गुरु बताता है तो करते हैं। तो ये सब जब होता है तो इससे, पर इसके अंदर अगर रिदम नहीं है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। पहले तो रिदम का हमारे अंदर अभ्यास होना चाहिए, रिदम के साथ में अगर आप ये सब करते हैं तो ही कोई फायदा है। क्योंकि यहाँ ये समझने की बात है कि ये रिदम की क्यों जरूरत है। अभी हम जो एस्ट्रल बॉडी की बात कर रहे थे, ये हमारे अंदर जो कुछ गड़बड़ है या जिसको हम गलत पैटर्न कहते हैं या जो कोई अपनी सादी भाषा में कहे जो वाइसिस कहते हैं, जो भी कहते हैं, वो जो सब कुछ जो पड़ा हुआ है वो एस्ट्रल के अंदर है, और एस्ट्रल के अंदर हमारा चक्र है, प्राण है, प्राण का रोटेशन है और नाड़ियां है, ये सब जो है वो इसके साथ में वो सब संलग्न है। आपकी प्राण की क्वालिटी ऐसी ही होगी कि जितना आपके अंदर ये सब जो वाइसिस वगैरह जितने कम होगी, इस तरह की आपकी प्राण की क्वालिटी होगी, आपकी नाड़ी भी इतनी ही शुद्ध होगी जितना आपके अंदर प्योरिटी होगी। तो ये सब इंटर रिलेटेड है। अगर आपने आपके एस्ट्रल के ऊपर काम नहीं किया है, एस्ट्रल को शुद्ध नहीं किया है, इसीलिए तो तावरिया जी ने रिफाइनिंग 3 स्टेप दिया है कि भाई आप एस्ट्रल को तो पहले शुद्ध करो, उसके बाद में अगर धारणा ध्यान समाधि वगैरह करते हैं तो ठीक है, पर ये सब करने से पहले अगर रिदम का अभ्यास नहीं है तो फिर कोई आप जो रियल मेडिटेशन है या रियल जो धारणा समाधि ध्यान वगैरह है उसके अंदर आप एंटर नहीं हो पाओगे। पहले तो ये एस्ट्रल के ऊपर काम करना पड़ता है, और एस्ट्रल के ऊपर काम करने के लिए सबसे बेस्ट चीज रिदम है।
अगर हमारा एस्ट्रल रिदम ही खो जाता है तो फिर को और तो बहुत आसानी हो जाती है इस मार्क के ऊपर। प्लीज ऑल्सो नोट दैट वॉट एवर यू मे विश टू डू, यू मस्ट लिव योर नॉर्मल लाइफ द नॉर्मल वे। तो ये खास कावरिया जी का था कि भाई हाउ आपकी नॉर्मल लाइफ होनी चाहिए, आप हाउस होल्डर होना चाहिए, चाहे जितनी भी आपको तकलीफ हो पर आप हाउस होल्डर बन के ही आप जियो और साधना करो और आगे बढ़ो। क्योंकि हाउस होल्डर अगर आप नहीं है तो आपको भटकने का बहुत चांसेस है। जो लोग ये त्यागी होते हैं, रिनाउंसमेंट रिनाउंस करके सब जो चले जाते हैं, त्यागी होते हैं, वो उसके अंदर एक कोई खास जिम्मेदारी का तत्व नहीं होता है, तो वो लोग भटक जाते हैं साधना के अंदर या उनके मार्ग के ऊपर से। पर जो गृहस्थी है उसका तो पहला लक्षण ही जिम्मेवारी है, तो वो अगर साधना करेगा तो जिम्मेवारी के साथ कर सकता है। नो इनहिबिटेशन और नो रिस्ट्रिक्शंस आर टू बी इम्पोज। तो बाहर से कोई भी निषेध नहीं लाना है और रिस्ट्रिक्शन नहीं लाना है कि मुझे तो ऐसा ही खाना है और ऐसा ही कपड़ा मैं पहनूंगा और इस तरह मैं जीऊंगा, ये नहीं करूंगा। इस तरह का जो रिस्ट्रिक्शन और इनहिबिटेशन जो हम लाते हैं वो लाइफ को एकदम नैरो बना देती है। उससे तो अध्यात्म में तो कोई फायदा नहीं है, लाइफ के अंदर भी हम बहुत सारे लोग देखते हैं कि जो धर्म के नाम के ऊपर शरीर को इतना सारा कष्ट देते हैं, तो वो टेम्पररली उसको एक शांति मिलती होगी पर अंदर से कोई खुशी या एक प्रसन्नता का भाव नहीं आता है, इसके अंदर एक पीड़ा होती है क्योंकि ये सब इम्पोज किया हुआ होता है। तो जो शरीर की जो जरूरत है, मन की जो जरूरत है, उसको तो बैलेंस करना पड़ता है। इनहिबिटेशन एंड रिस्ट्रिक्शंस आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ए नॉर्मल लाइफ दैट इज वेल लिव्ड विद इन रीजनेबल बाउंड्स। रीजनेबल बाउंड्स, तो रीजनेबल बाउंड मतलब बाइंडिंग तो चाहिए पर रीजनेबल होना चाहिए, मतलब कि हमें अपने लिए खुद एक डिसिप्लिन क्रिएट करना है कि भाई सुबह में जल्दी उठना है और प्रैक्टिस करना है, खाने के बाद पीने के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना है कि गलत टाइम पर न खाए, ज़्यादा न खाए। फिर स्लीप के बारे में जो तावड़िया जी ने ये सब डिसिप्लिन बताई है, स्लीप के बारे में भी हम देख चुके हैं कि भाई किस तरह, तो ये हमारे रीजनेबल बाउंड है, तो इतना होना जरूरी है। पर फिर शरीर को पीड़ा हो इस तरह का हम अगर टॉर्चर करेंगे तो वो तो शरीर तो है वो तो रिवेंज लेगा। एक दिन शरीर ऐसा रिवेंज लेता है कि आपको आगे कुछ करने नहीं देगा, ठप हो जाएगा। तो ये सब खास ध्यान में रखना है। इफ यू विश टू फॉलो ए प्रोग्राम प्लीज डू सो, फॉर इट विल मेक द जर्नी इजियर, बट इट मस्ट बी रिजनेबल टू। तो एक डिसिप्लिन अगर हमको क्रिएट करनी है, प्रोग्राम करना है, तो ये हम प्रोग्राम कर सकते हैं। भाई सुबह में ये करना है, दोपहर के बाद में ये करना है, शाम को ये करना है, रात को ये करना है, क्या क्या प्रैक्टिस करनी है, कौन सा टाइम हम अपने लिए थोड़ा फ्री रखते हैं, कौन सा टाइम में हम थोड़ा एंटरटेनमेंट करेंगे, ये एक हम प्रोग्राम बना सकते हैं। पर वो इतना रिजिड नहीं होना चाहिए कि भाई ये एकदम आदमी को एकदम बंधन में डाल दे, इस तरह का ना होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। इम्प्लीमेंट फ्री विल इन द ट्राइफल्स ऑफ डेली लाइफ एंड वरी नॉट वेदर यू आर वर्दी ऑफ एक्सरसाइजिंग फ्री विल इन हायर मैटर्स। जो छोटी छोटी जो चीजें होती है उसके अंदर हमें पहले तो फ्री विल को यूज करना सीखना चाहिए। तो छोटी छोटी चीजों में फ्री विल कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि भाई अभी एकदम जोर से भूख लगी है तो एकदम खाने के लिए बैठना नहीं है, जरा फ्री विल का उपयोग करके हम उसको थोड़ी देर के लिए एक्सटेंड करने का प्रयत्न करना है। तो यहाँ आप फ्री विल का यूज करते हैं कि अभी भूख लगी है पर अभी नहीं, 5 मिनट 10 मिनट में नहीं खाऊंगा। या और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जिसके अंदर आप फ्री विल का उपयोग करो और उसके द्वारा एक अंदर एक एक दृढ़ता का भाव हमारे अंदर, या फिर आगे की चीजों के अंदर हम फिर फ्री विल का यूज करना सीखेंगे। जैसे बहुत ठंडक है तो एक रोजाना गर्म गर्म पानी से नहाते हैं, तो आज थोड़ा कम गर्म पानी से नहाएंगे। इस तरह कुछ ना कुछ फ्री विल का हमें यूज करना चाहिए, जहाँ एकदम आसानी से हम करते हैं।
जैसे कि मोबाइल है, और मोबाइल में हम क्या करते हैं कि मोबाइल में जब रिंग बजती है, किसी का कॉल आता है कि इमीडिएटली वो उठा लेते हैं। तो यहाँ एक फ्री विल का यूज कर सकते हैं कि कम से कम 3 घंटी बजेगी तब तक मैं वेट करूंगा, एकदम इसको उठा नहीं लूंगा, थोड़ी देर के लिए 3 घंटी को बजने दूंगा, उसके बाद में ही मैं फिर फोन को उठाऊंगा। तो एक इस तरह हम छोटी छोटी बातों के अंदर विल को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर इवेंचुअली इफ यू कीप प्रैक्टिसिंग यू विल बी ग्रेस विथ फ्री विल इन ऑल मैटर्स बोथ बिग एंड स्मॉल। फिर इस तरह का हम छोटे छोटे शुरुआत में प्रयोग करेंगे तो फिर आगे जाके बड़ी चीजों के अंदर भी फ्री विल का प्रयोग कर सकेंगे कि भाई अभी सुबह में और जल्दी उठना है, 5 बजे उठते हैं तो 4 बजे उठना है तो जरा कठिन काम है, तो फिर वहां भी हम अपनी फ्री विल का उपयोग कर सकेंगे। या प्रैक्टिस बढ़ाना है तो अभी प्रैक्टिस में हम ज्यादा नहीं ये कर सकते, तो वहां फ्री विल का हम उपयोग करके और बड़ी चीजों के अंदर भी हम इसको अप्लाई कर सकेंगे। फॉलो द योगा पाथ ऑफ योर चॉइस। यू मे बी ड्रॉन आइदर बाय प्रेयर, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, रीडिंग और एनी अदर वे, बट अलोंग विद दिस इंट्रोड्यूस द करेक्टिव मेथड दैट हेल्प वन टू क्रॉस दैट क्रिटिकल सर्टेन स्टेज। तो आपको जो करना है, प्रार्थना करो, आप मेडिटेशन करो, आसन करो, प्राणायाम करो, कुछ भी करो, और कोई टाइप का योग करना है तो वो करो, पर अलोंग विद दिस आपको करेक्टिव मेथड मतलब 3 स्टेप रिफाइनिंग वगैरह तो करना ही पड़ेगा, और वो करने से आप ये सर्टेन क्रिटिकल स्टेज तक पहुंच पाओगे। ब्रिंग अबाउट चेंज विद इन यू कॉन्शियसली एंड विथ प्रॉपर मेथड एज शोन लेटर। तो बाद में इसमें ये पुस्तक में बाद में बहुत सारी चीज में इसके बाद में भी उन्होंने बताई है, उस सारी चीजों को हमें अप्लाई करते जाना है। सी दैट द चेंज इज अलाइन टू द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ एंड द थॉट्स अटेंडेंट इन वंस नॉर्मल लाइफ। तो यहाँ ये बार बार एक बात देते हैं कि नॉर्मल लाइफ के अंदर ऐसा नहीं कि आपको सेक्लूजन में चले जाओ या कहीं हिमालय पर चले जाओ, कोई आश्रम में चले जाओ और फिर गहरी प्रैक्टिस करो, ये नहीं, नॉर्मल लाइफ के अंदर ही करो। हाँ, बीच में नॉर्मल लाइफ के अंदर से कई बार थोड़े समय की छुट्टी लेके आप घनिष्ठ अभ्यास के लिए कई कई बार जा सकते हैं, हफ्ता 15 दिन छुट्टी लेके कहीं एकांत में जाके और थोड़ा अभ्यास कर सकते हैं, बाकी नॉर्मल लाइफ के अंदर ही नॉर्मल प्रैक्टिस सब करनी है, और वो नेचुरल फ्लो हमारा जो है उसके साथ साथ में ही करनी है। इट विल टेक टाइम टू रियलाइज द इन्फिनाइट और द एब्सोल्यूट, हाउएवर फास्ट द प्रोग्रेस, इवन इफ इट वर एज फास्ट एज द स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर परम तत्व को प्राप्त करना है वो तो टाइम तो लगेगा ना, क्योंकि कितनी भी स्पीड से आप प्रोग्रेस कर लो फिर भी वो उसको टाइम लगता है, और प्रकृति के अंदर हर चीज के लिए एक टाइम बाउंड तो होता ही। जैसे हम एक ट्री को बोते हैं, जैसे कि मैंगो ट्री है, तो इसको जब उसको प्लान किया तो तब से वो कोई फ्रूट थोड़ी देने वाला है, 5-10 साल रुकना पड़ेगा तब जाके उसके ऊपर फ्रूट आएगा। तो प्रैक्टिस तो हमें करते ही जाना है, और ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस चालू किया तो फिर वो जो परम तत्व है वो उसका दर्शन हो जाएगा। तो चाहे हम लाइट की स्पीड से जाएंगे फिर भी वो टाइम तो लगेगा। लाइट ट्रेवलिंग एट दैट एनोरमस स्पीड हैज नॉट बीन एबल टू रीच अस हियर ऑन अर्थ फ्रॉम सम डिस्टेंट स्टार्स, इवन दो इन सम केसेस इट मस्ट हैव स्टार्टेड एज अर्ली एज द क्रिएशन ऑफ आवर वर्ल्ड। तो ये जो पृथ्वी है हमारी बनी, उससे पहले भी तो क्रिएशन मतलब कि बहुत सारी चीजें, स्टार्स, गैलेक्सीज वगैरह बन चुके थे, और अगर लाइट की स्पीड से भी कुछ बहुत डिस्टेंस से कुछ आता है तो इसमें हजारों साल लग जाते हैं। अब पृथ्वी का जन्म हुआ है करीब करीब 4.5 बिलियन ईयर्स, मतलब 450 करोड़ साल पहले ये पृथ्वी का जन्म हुआ है, पृथ्वी बनी है। तो हो सकता है कि 450 साल पहले के समय में से कोई तारा में से अगर कोई प्रकाश निकला है और वो पृथ्वी के ऊपर पहुंचते हैं, वो
पृथ्वी के ऊपर पहुंचेगा तो भी उसको इतना, ये स्पीड ऑफ लाइट से पहुंचेगा तो भी इतना लंबा समय उसको लगेगा कि हो सकता है पृथ्वी का जन्म उससे पहले का ये घटना हो, फिर भी वो ये अब तक यहाँ नहीं पहुंचा हो। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट का के ऊपर भी काम, इतनी स्पीड से काम करने पर भी अगर ये स्थूल लेवल के ऊपर ये एक रे यहाँ तक पहुंचने में इतना समय लगता है, तो हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि कुछ साल तक हमने काम कर लिया और फिर हमने एब्सोल्यूट को जान लिया? ऐसा संभव ही नहीं। इफ ए स्टार और ए सन कुड बी दैट डिस्टेंट, हैव पेशेंस फॉर नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द एब्सोल्यूट एंड हिज लॉज एंड लॉज और वेज ऑफ लाइफ। तो अगर एक स्टार कितना दूर है उसको जानने के लिए भी इतना समय लगता है, तो परमात्मा को जानना, जानने के लिए तो इतनी आसानी से थोड़ी वो हम जान सकते हैं। विथ क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड इंट्यूटिव फीलिंग, इफ यू आर सिंसियर टू द प्रोग्राम ऑफ करेक्टिव मेथड एंड डिसिप्लिन, यू विल नो हाउ टू प्रोसीड एंड प्रेस फॉरवर्ड इन हेजिटेंट, एंड यू विल मीट योर मास्टर ऑन क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड और द क्रिटिकल सर्टेन स्टेज। तो हमारे अंदर जो हमारा जो मास्टर बैठा है या हमारा जो गुरु बैठा है, उसको वहां तक पहुंचने के लिए हमें ये सब प्रोग्राम बना के और करेक्टिव मेथड वगैरह को अप्लाई करके हम जब ये सब करते जाते हैं, तो एक पॉइंट के ऊपर वो जो हमारा अंदर क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंच सकते हैं, और तब हमारे अंदर का जो हमारा जो गुरु मास्टर बैठा है उसके उसको हम फेस टू फेस हो सकते हैं। देन नो बुक्स कैन हेल्प और आर नेसेसरी। जब एक बार अंदर आत्म तत्व का स्पर्श हो गया और उसका गाइडेंस चालू हो गया, उसके बाद में न कोई बाहर का गुरु की जरूरत है, न कोई किताब की जरूरत है, न कोई फिलोसॉफी की जरूरत है, कुछ की जरूरत नहीं है। बस वो ही अंदर से गाइड करता रहता है कि अभी आगे क्या करना है, किस तरह साधना करना है, और उसके गाइडेंस के अंदर ही फिर सिंसियर साधक जो है वो आगे साधना करता रहता है। देन नो बुक्स कैन हेल्प, कीप द लाइफ सेविंग फॉर्मूला, वॉट इज द पर्पज ऑफ लाइफ एंड बर्थ, कॉन्स्टेंटली बिफोर योर आईज एंड ऑल विल बी वेल। तो ये एक जिंदगी में एक सूत्र हमेशा पकड़ के रखना है कि वॉट इज द पर्पज ऑफ लाइफ एंड बर्थ, मैंने क्यों जन्म लिया है इस पृथ्वी के ऊपर, मैं आया कहाँ से और क्यों आया हूँ, और क्या किसी ने मुझे यहाँ फेंक दिया है, मुझे मैं यहाँ कोई इस तरह बाय फोर्स आ चुका हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मेरा आने का मकसद क्या है, कुदरत ने मुझे क्यों भेजा है। और इस तरह हमें बार बार चिंतन करना पड़ता है, फिर ये चिंतन करना पड़ता कि मैं पर्टिकुलर कास्ट के अंदर, पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर, पर्टिकुलर फैमिली के अंदर मैं क्यों आया, किस तरह आया। तो ये सब चीज़ों के ऊपर बार बार चिंतन करना पड़ता है, और हमेशा जो कुछ हम करते हैं उस समय एक प्रश्न हमेशा रहना चाहिए कि मैं ये जो कुछ कर रहा हूँ वो क्या मुझे मेरा पर्पस के प्रति ले जाएगा। ऐसी एक सभानता हमारे अंदर, एक कॉन्शियसनेस धीरे धीरे बनती रह बननी चाहिए, तो हमारा प्रोग्रेस निश्चित रूप, हम भटक नहीं सकेंगे, कम से कम थोड़ा आगे पीछे होगा पर भटक नहीं जाएंगे, अगर ये चीज हमारे सामने होगी कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ एंड बर्थ, तो हम धीरे 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 करके भी हम प्रगति करते जाएंगे। और अगर ये सूत्र हमारे सामने रहेगा तो कहते हैं कि ऑल विल बी वेल, सब कुछ अच्छा होता रहेगा। टेक दिस थॉट फॉर सीरियस थिंकिंग, व्हाट आर द करेक्टिव मेथड एंड व्हाट इज द डिसइंफेक्शन चेम्बर। तो इसके बारे में मैंने कुछ तो बताया है, फिर भी तावरिया जी ने बहुत सारी किताबों में ये सब बताया है, बार आप उसको भी कहीं से ढूंढ के आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यहाँ आज का सेशन समाप्त करते हैं, टाइम भी हो चुका है, मुझे लगता है कि शायद किसी को कोई प्रश्न हो सकता है, पर नेक्स्ट टाइम हम बिगिनिंग में प्रश्न ले लेंगे। अभी आपको कोई प्रश्न है तो आप लिख के रखो, नेक्स्ट वीक में बिगिनिंग में हम प्रश्न से शुरुआत करेंगे।
तब तक के लिए रुकते हैं, धन्यवाद, थैंक यू, यहाँ समाप्त करते हैं, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, हाँ थैंक यू सर, थैंक यू सर जी, थैंक यू। Thank you, sir. Ah, thank you.